सारे ऐसे कंट्रीज है जिनको उन्होंने टेक ओवर कर भी लिया, उनसे पाकिस्तान भी है। नहीं लगता चाइना के कोलैप्स का कुछ चक्कर है ऐसा? जो चाइना है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब आप ये सोचो उन्होंने पीली डाल दिए। और मेरा नाम है माहीन, आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो आपको पता होगी कि क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पर भी हम डिफरेंट तरह का कॉन्टेंट आपके लिए लगाते रहे। अच्छा, तो फन फैक्ट ये कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये था कि ओबामा ने कुछ कहा है अबाउट द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। एंड उसके ऊपर हमने ये भी देखा था कि काफी इंडियन मीडिया ने बैकलैश किया था उसके ऊपर कि ऐसा नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है ये वो। तो अब रिसेंटली जो अमेरिकन जो हैं वो मीडिया और जो वहाँ की जो प्रेस है, जो पॉलिटिशियंस है, सारे ओबामा को स्टैंड बाय कर रहे हैं कि दैट यस इंडिया कुड पुट अपार्ट, और उन्होंने सपोर्ट किया ओबामा का, जो कि जेन्युइन बात है क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। बट इसके अंदर डिटेल में पता चलेगा कि उन्होंने क्या फैक्ट्स भी दिए हैं या उन्होंने ऐसी कोई भी बात की है कि अच्छा ये हो सकता है। लेट्स सी, इस वीडियो में हमें काफी जानकारी मिलेगी। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन क्योंकि ये जो है मैंने पहले यू चूज किया था ना, आई डिडंट, मैंने नहीं पहले चूज किया इस बार। लेट्स कुछ हफ्ते पहले जब पीएम मोदी यूएसए में गए, वहां पर उनके पार्लियामेंट को संबोधित किया, उस वक्त यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि इंडिया बढ़ सकता है, इंडिया कैन फॉल अपार्ट अगर रिलीजियस डिविजन्स हिंदूज मुस्लिम्स में बढ़ते गए। ये बड़ी स्टेटमेंट दी थी बराक ओबामा ने। नाउ इवन दो व्हाइट हाउस जो है यूएसए का, जो यूएसए की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने खुद को ओबामा की स्टेटमेंट से दूर कर लिया है और ये कहा है कि ओबामा की स्टेटमेंट को आप एक प्राइवेट सिटीजन की स्टेटमेंट मानिए, ये यूएसए की स्टेटमेंट नहीं है, हम नहीं मानते कि इंडिया बढ़ जाएगा या बंटवारा हो जाएगा। मगर आप खुद ही समझ सकते हैं कि ओबामा की स्टेटमेंट म्यूजिक की तरह प्ले हुई चाइना के कानों में। चाइना को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया कि इनके साथ में जो एक बड़ी डेमोक्रेसी है जिसकी आबादी सरपास कर चुकी है चाइना की आबादी को, एक ऐसा देश जो कल को चाइना को एशिया में टक्कर दे सकता है, इसका बंटवारा हो जाएगा, ये आइडिया चाइना को इतना अच्छा लगा कि इन्होंने इस पर यह चीज़ पब्लिश कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स की ट्वीट है ट्विटर पर, ये लोग कह रहे हैं पहली बात तो ओबामा सही कह रहे हैं, ये इनका यहाँ पर वर्जन है, ये लोग कह रहे हैं कि ओबामा इज राइट नो मैटर हाउ हाईली द यूएस डाउट्स इंडियाज डेमोक्रेसी, मगर इंडिया में अगर एथनिक डिविजन्स बढ़ते रहे तो इवेंचुअली इंडिया बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इट विल ऑलवेज फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिविजन्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना ने ये बात क्यों कही है। चाइना ने इन द पास्ट भी, आप अगर देखो 2009 से आप देखो तो लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है भारत के विभाजन की, कि यूनियन ऑफ इंडिया डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, इसको लेकर काफी ये पब्लिश कर चुके हैं पेपर चाइना की साइड से। तो डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, देखिए हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि दुनिया का वो कौन सा देश है जो बहुत जल्दी से फॉसिल फ्यूल मतलब के ऑयल कोयला इस सब से हटकर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया की रैंक मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या आई है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, आप अगर चाइना का बर्थ देखो, जो कम्युनिस्ट चाइना है ये वजूद में आया था 1949 में, और तब से लेकर आप लगातार एक बात नोटिस करना, चाइना के आसपास कई देश टूट के बिखर गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ में यूएसएसआर नाम का देश हुआ करता था, चाइना यूएसएसआर के शैडो में चलता था, ये भी बहुत ही अजीब है। 1991 से पहले ना
यूएसएसआर पूरे यूरेशिया का किंग था, ये लोग पूरे एशिया को डोमिनेट करते थे। मगर जैसे ही यूएसएसआर टूट गया, बहुत सारे सेंट्रल एशियाई देश बन गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। इस बंटवारे का एक बड़ा फ़ायदा मिला चाइना को, क्योंकि अचानक से यहाँ पर पावर इक्वेशन चेंज हो गई। आज के समय चाइना रशिया को फॉलो नहीं करता, रशिया चाइना को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये काफ़ी डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे। और उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज टूट के जो यहाँ पे आए हैं ना, ये भी अब ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर कंपेयर टू रशिया। और चाइना के लोग इस बात को लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि यूएसएसआर इनसे पहले एक कम्युनिस्ट कंट्री बना था, मगर ये टूट के बिखर गया। बट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज भी स्ट्रांग खड़ा है, इसके टूटने के चांसेस काफ़ी कम लगते हैं इनकी सरकार को। अब इसलिए ना, जो यूएसएसआर के साथ हुआ, काफ़ी बार सेम टाइप के आइडिया देखते हैं कि अगर इंडिया के साथ हो जाए ना तो चाइना को बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे 2009 का आर्टिकल है, इंडिया इजी टू ब्रेक चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट। चाइना में एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक था, उसने 2009 से लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। उसमें बार बार एक ही बात लिखी हुई थी कि इंडिया का भी बंटवारा कर दो, इंडिया को भी बांट दो, क्योंकि चाइना को पता है एक यूनाइटेड इंडिया चाइना की पूरी डोमिनेंस नहीं होने देगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इवन इंडियन ओशन में। जिस तरीके से पाकिस्तान लिटरली झुक गया इनके सामने, इंडिया वैसे झुकने वाला है नहीं। और साथ ही साथ इंडिया के साथ अगर डायरेक्ट वॉर करता है चाइना, तो उसमें भी चाइना को हैवी लॉस होगा। एक बार को आप कह सकते हैं अगर फुल स्केल वॉरफेयर हो गई तो चाइना को स्लाइड एडवांटेज है, क्योंकि इनका डिफेंस बजट ज़्यादा है, उसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब्स इनके पास ज़्यादा हैं, उसके अलावा इनकी मिलिट्री भी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है। बट चाइना को इतना लॉस हो जाएगा कि ये कई दशक पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए ना, चाइना के स्ट्रेटजिस्ट बार बार 2009 से, अगेन 2009 में दोखलाम नहीं हुआ था, गलवान नहीं हुआ था, इंडिया इस टाइम ना 2009 में इंडिया क्वाड से भी बहुत दूर था, ये बराक ओबामा का दौर था 2009 वाला। इस वक्त चाइना ने ये सपने देखने स्टार्ट कर दिए थे कि इंडिया का बंटवारा हो जाए। इन लोगों ने ये कहा था कि 20 से लेकर 30 देशों में इंडिया को बांट देंगे। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी अज्यूम मत कर लेना कि ये बात सिर्फ एक स्ट्रेटजिस्ट ने कही थी, ये रिपोर्ट्स लगातार चाइना के एक बड़े थिंक टैंक द्वारा पब्लिश करी गई। इन रिपोर्ट्स को देखकर अमेरिकन्स भी काफ़ी बार शॉक्ड हो गए कि चाइना के इतने बड़े प्लान्स हैं, ये पूरे एशिया को कब्जाना चाहते हैं, इंडिया को तोड़कर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वैसे ही अपना प्रभाव जमा लिया, रशिया इनका ऑलमोस्ट जूनियर बन चुका है, नॉर्थ कोरिया इनके अंडर आ चुका है, फिर इंडिया, यहाँ पर भी ये चाहते हैं बंटवारे हो जाए। मुझे याद है अमेरिकन्स ने इस पर ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि क्या ये पॉसिबल है, कैन चाइना ब्रेक इंडिया। लिटरली यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, ये एक US बेस्ड थिंक टैंक की रिपोर्ट है, ये लोग कह रहे हैं कि चाइना की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी नेट ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि इंडिया का ऐसा बंटवारा ये लोग कर देंगे। और इन डिटेल इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी थी कि प्राइमरली इनका फोकस होने वाला है 3 इलाकों में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये चाइना के थिंक टैंक ने अपनी सरकार को कहा था कि चाइना शुड सपोर्ट फैक्शंस इन आसामीज, कश्मीरीज एंड तमिलियंस। इन्होंने ये कहा कि देखो, बेसिकली यहाँ पर आप नोटिस करोगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे ग्रुप खड़े कर दो जो इंडिया से अलग होना चाहते हैं, उनको फंडिंग दो। अच्छा, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट कुछ एक्शन होगा तो ओपनली ये ग्रुप कह सकती है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में भी सेम काम करो, और तमिलनाडु, मतलब कि बेसिकली तमिलनाडु नहीं, सदर इंडिया कहना चाहिए, वहाँ पर भी ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स को फंड करो जो इंडिया को तोड़ने की बातें करती है। ये बात ओपनली चाइना के थिंक टैंक ने लिखी थी। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि चाइना का थिंक टैंक ओपनली ये सब बातें लिख देता है, अमेरिका इसको कवर करता है, इंडिया ने उस वक्त बोला नहीं कि ये लोग क्या लिख रहे हो तुम लोग। देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, 2009 में सोशल मीडिया ना के बराबर था, लोगों का जो इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, अभी भी कम ही है मैं कहूँगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। मगर उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं था कि कई कंट्रीज़ की लोकेशन क्या है, कई कंट्रीज़ की थिंकिंग क्या है, वहाँ पर कैसी सरकार है, तो कभी ये टॉपिक ज़्यादा ओपनली डिस्कस हुआ नहीं। हाँ, जब इंटरनेशनल मीडिया ने ये इशू उठाना स्टार्ट कर दिया कि चाइना इंडिया का बंटवारा करना चाहता है, तब चाइना की सरकार ने ये कहा कि देखिए, ये तो एक थिंक टैंक है ना, एक थिंक टैंक ने हमको सुझाव दिया है, अब हमारे ऊपर है कि हमें सुझाव पर काम करें या ना करें, आप चिंता मत करिए। तो अगेन देखिए, ऐसी बातें चाइना ओपनली करता था। बाद में ऑफकोर्स जैसे जैसे इंटरनेट फैल गया है, जियोपॉलिटिक्स अब एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट हो गया है,
अब चाइना ऐसी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सोच समझकर पब्लिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री को ब्रेकअप करना चाहोगे, तोड़ना चाहोगे, तब ये सब बातें आप ओपनली नहीं कहोगे। बट ये जो केस है ओबामा का, ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि देखिए बराक ओबामा की दुनिया में बहुत इज्जत है, पहले नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसके अलावा इन्होंने लगातार 2 टर्म सर्व किया एज यूएस प्रेसिडेंट, और जब ये कह रहे हैं कि इंडिया का बंटवारा हो सकता है तो आप समझ लीजिए चाइना को एक बहाना मिल गया कि हाँ जी हाँ ओबामा सही कह रहे हैं। अब ओपनली ये बात कहने का, मैं ये 2009-10 से लेकर अब 2023 में पहली बार देख रहा हूँ जब चाइना ओपनली कॉल दे रहा है, ओपनली ये बात कर रहा है कि यस ओबामा इज राइट, इंडिया कुड बी डिवाइडेड। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इंडिया का विभाजन हो सकता है ना, ये प्राइमरली या तो ओबामा को लगता है या चाइना को लगता है। उनके कहने का वेट अमेरिका के बहुत सारे जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट को देखो जिन्होंने शोध कर रखा है कई सालों का, जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो पैटर्न स्टडी करते हैं, जो रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं इस पर बहुत सारी, वहाँ पे आप देखो ना वो लोग कहते हैं कि इंडिया का विभाजन नहीं होगा बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में देखिए, अब मान लो किसी को सरकार पसंद नहीं आ रही, इलेक्शन हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, नई सरकार आ जाएगी, बट ओवरऑल इंडिया के कोलैप्स के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि देखो इलेक्शन हमेशा लोगों के गुस्से भड़ास को निकालने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है लोगों को। वेरस चाइना को लेकर यूएसए और इवन यूरोप के बहुत सारे जियो पोलिटिकल एनालिस्ट ओपनली कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में पॉसिबिलिटी है कि चाइना कोलैप्स कर जाए, क्योंकि अभी के लिए देखो चाइना जिस तरीके से इन्होंने ग्रो किया है, एक रैपिड स्पीड से ग्रो किया है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के दम पर, एक बार इनके एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर ब्रेक लग जाएगा, जो इवेंचुअली लगने ही वाला है क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे अब कम हो रही है, तो आने वाले 10 सालों में जब चाइना की पॉपुलेशन एज कर रही होगी, लोगों के पास उतना रोजगार होगा नहीं, और आज नहीं तो कल देखिए लोग भी चाइनीज गवर्नमेंट से ऊब जाएंगे, वो चाहेंगे कि कुछ चेंजेस आए, तो उस केस में देखिए जिस तरीके से यूएसएसआर गिरा था वैसे चाइना भी कोलैप्स कर सकता है, ये कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है आने वाले 10 सालों की। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछें कि क्या चाइना कोलैप्स कर सकता है, मेरे हिसाब से देखिए ऑल टुगेदर कोलैप्स तो नहीं करेगा, मगर काफ़ी हद तक चाइना की पावर कम हो सकती है। आने वाले 10 साल चाइना के लिए एक बड़ा टेस्ट लेकर आएंगे, और अगर मान लीजिए चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, एक वॉर में चाइना उलझ गया, तो उसके बाद मैं कहूँगा इंडिया के सामने ओपन फ्री हाईवे होगा ग्रोथ के लिए, और चाइना कई सालों तक स्टैग्नेट करेगा। तो मैं यही कहूँगा ये ओबामा को लेकर कह सकते हैं ओबामा इज राइट वगैरह, मगर इन एवरी एस्पेक्ट आप हर तरफ से सोच कर देखो इन अ न्यूट्रल वे, इवेंचुअली इंडिया आने वाले समय में बहुत ही ज़रा प्रॉस्पर करने वाला है और डिवीजन का कुछ यहाँ पर चांस खड़ा नहीं होता। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ द रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है 67। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया रैंक 67th इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्वीडन देश इस मेड टॉप पे था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ऐसा लग रहा है कि वो उन्हीं का जो है वो इंतजार कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने कहा 2009 से इस तरह की रिपोर्ट्स वो बना रहे हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो हो जाएगा और इस तरह से इस जो है लोग टेक्निकली इट्स नॉट दैट इजी कि एक स्पेशली इंडिया जैसा देश जो है वो कोलैप्स करे, बिकॉज एक तो ये है कि वो अब बहुत ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चल रही है वहाँ पे, और आने वाले कुछ सालों में हम लोग बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट देखने वाले हैं इंडिया में। आई थिंक तो ओवरऑल वहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो कम्युनिटी है वहाँ की, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो सब
आई थिंक सो सैटिस्फाई और कुछ है वहाँ पे मेरा कल जितने हमने इंडियन वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया है तो हम खुद भी हमें पता है हमने डिफरेंट सिटीज के ऊपर भी रिएक्शन दिया है हमें खुद भी आइडिया किस किस लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है एग्जैक्टली और ऐसी ऐसी जगहें जो कि बिल्कुल नहीं थी डेवलप वो भी हो चुकी है मतलब हर जगह वहाँ की अब मुझे लगता है डेवलप हो गई है सिर्फ उन्होंने वो एक स्टेटमेंट को लेकर एक वबेला सा मचा दिया है ना कहने का क्योंकि ऑलरेडी एक इतने बड़े प्रेसिडेंट ने बोला है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो उनको मौका मिल गया क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इतनी फैन बेस है और ऑलरेडी वो इतने बड़े प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो उन्होंने उनका बेसिकली उन्होंने जो बोला है ना उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई बेसिकली ऐसा उन्होंने किया उन्होंने अपने दिल की बात भी कह दी कि हाँ ये कोलैप्स हो जाएगा और मतलब खुद तो वो 2009 से खुद वो बोल रहे थे खुद 2009 से बोल रहे थे लेकिन उनको कोई ऐसा कोई वो नहीं मिल रहा था साथ में लेकिन अभी इन्होंने बोला है तो ये फौरन से हाँ कहने लगे हाँ और वो ये चाहते हैं कि वो एक सुपर पावर बन जाए है ना ये चाहते हैं कि वो एक सुपर पावर बन जाए और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने टेक ओवर कर भी लिया उनसे पाकिस्तान लिए यानी कि जो कि फुली डिपेंडेंट है चाइना पे और उन जैसे रशिया का जिक्र हुआ वीडियो में रशिया का हाँ जिक्र हुआ और पहले नहीं था और मुझे लगता है पहले जो वॉर हुई थी 9/11 की उसमें काफी ज्यादा चाइना को जो है ना लॉस हुआ था वहाँ की जगहों पे तो वॉर के सीन में तो मुझे नहीं लगता कि आप उलझेंगे बट चाइना के कोलैप्स की बात भी हुई कि क्या चाइना 10 साल में अच्छा मुझे नहीं लगता चाइना के कोलैप्स का कुछ चक्कर है सब मुझे भी नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी जो चाइना है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है वहाँ की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है बहुत एक्सट्रीम है तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई सॉलिड प्लान होंगे अबाउट दिस मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी जब चला रहे हैं इतनी अच्छी उनकी डेवलपमेंट हो गई तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग प्लान होंगे मतलब आप ये सोचो हाँ। उन्होंने पीली डाल दिए और वो जो है साथ में वो लोग शुरू हो गए कि भाई ये और मसाला लगा रहे हैं उसके ऊपर हाँ ये एक बड़ा मसला है कि वहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन एज लोग के यूथ की नहीं है तो ज्यादातर एज लोग वहाँ पे क्या करेंगे किस तरह से मैनेज करेंगे ये चीज एक देखने वाली इंटरेस्टिंग होगी जबकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो काफी यंग लोगों की यूथ की है बिकॉज उनके यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत सारी स्कीम्स है ना चाइना में और उधर नहीं ऑब्वियसली तो शायद ये वजह है तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है देश को अगर अपना कोई सजेशन हमें बताना चाहते हैं वीडियो का तो हमें लिंक के साथ लाजमी अपना सजेशन भेजा करें क्योंकि फिर हम जो है वो दूसरी वीडियो के ऊपर कर देते हैं तो फिर आप लोग बोलते हो अपना लिंक जो है वो लाजमी भेजा करें जो भी सजेशन आप लोग देते हो वीडियो के हवाले से प्लस इसी तरह वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।